दोस्त में एकदम हाय भाई लोग और उनका ड्राइवर वगैरह था, और उसके बाद पहले बिल्डिंग कर रहा था उसको उन्होंने मारा, उनको पिस्टल दिखाया, उसके बाद वहां से आए और यहां पे हम थे और हमारा मुंशी था, दोनों को मारा पीटा गया और पिस्टल सर पे सटा दिया गया, जो कि वीडियो में आप लोग देख रहे होंगे। अभिनू के दुकान के सामने एक व्यक्ति कटर लेकर आया हुआ था, तो वो अपना सीसीटीवी में देखता है, उसके बाद उस व्यक्ति से जाके उसको पूछता कि तुम कटर लेकर रात को 11:30 बजे मेरे दुकान के पास क्यों हो, उसके बाद वहां से झगड़ा शुरू होता, लपड़ थपड़ होता है। नमस्कार, आप फर्स्ट लुक बिहार देख रहे हैं और मैं हूं अभिषेक रंजन। देखिए कि सोशल मीडिया पर दो वीडियो जो है तेजी से वायरल हो रहा है। वीडियो में जो है वार्ड नंबर 10 के पार्षद अभिमन्यु चौहान दिखाई पड़ रहे हैं। इसमें दिखाया जा रहा है कि किस प्रकार से अभिमन्यु चौहान जो है एक दुकानदार के साथ जो है मारपीट कर रहे हैं, उनको थप्पड़ मारे के साथ साथ जो है उन्होंने अपने जो हथियार है लाइसेंसी हथियार उनको निकाल कर और उस दुकानदार पर टांग दिया। दरअसल हमने इस पूरे मामला की पड़ताल की तो पता चला कि दोनों का दुकान जो है सदर थाना क्षेत्र के गोबरसाई में है, और इसके टेरर्स जिस दुकान पर जो है ये वीडियो जहां का वायरल हुआ, इसके बगल में ही अभिमन्यु चौहान का भी दुकान है, लेकिन किसी बात को लेकर विवाद दोनों के बीच में हुआ था और जिसके बाद ये पूरा मामला आया है। हालांकि पूरे मामले को लेकर देखिए कि अब सदर थाना में जो है आवेदन दिया गया है, दोनों पक्षों की तरफ से सदर थाना में आवेदन दिया गया है, जहां पे एक पक्ष का कहना है कि हमारे पास जो है अभिमन्यु चौहान आए हैं और अपने कुछ साथी के साथ आकर मारपीट किए हैं और जान से मारने की धमकी दी है। वही बता दें कि दूसरे पक्ष की तरफ से जो आवेदन दिया गया अभिमन्यु चौहान की तरफ से, उसमें यह भी बताया गया है कि हमारे दुकान के सामने जो है ताला काटने का प्रयास किया गया और जो गैस कटर है उन सभी चीज को रखा गया है। इसके बाद हम लोग वहां पहुंचे थे, लेकिन हालांकि इस पूरे मामले में सदर थाना की जो पुलिस है जो प्रभारी है उनका कहना है कि देखिए कि मामले संज्ञान में आया है, कार्रवाई की जा रही है और लाइसेंसी पिस्टल के जिस प्रकार से दिखाई पड़ रहा है, जिस प्रकार से हथियार के बल पर यानी किसी को डराया धमकाया गया है, तो इस पर कार्रवाई अब तेज कर दी गई है। लाइसेंस है उसको कैंसिल करने का प्रावधान भी शुरू कर दिया गया है और दोनों पक्ष की तरफ से आवेदन दिया गया है, तो उस पर कार्रवाई की जा रही है। इस मामले में बता दें कि जो शुभम कुमार है जो एसके ट्रेडर्स के दुकानदार है, जितेंद्र कुमार के भाई है, भाई का कहना है शुभम कुमार का कि हम दुकान पर थे 11 बजे रात को, विश्वकर्मा पूजा की साफ सफाई चल रही थी, इसी दौरान जो है अभिमन्यु चौहान हमारे दुकान पर आए थे और मारपीट करने लगे और गाली गलौज देने लगे। वही हमने इस पूरे मामले को लेकर अभिमन्यु चौहान का भी पक्ष जानने का प्रयास किया, लेकिन उनसे संपर्क नहीं हो पाया, उनसे हमने संपर्क साधने का भी प्रयास किया लेकिन संपर्क नहीं हो पाया। पूरे मामले को लेकर क्या कुछ कहना है सदर थाना के पुलिस के, इसके साथ साथ क्या कुछ कहना है शुभम कुमार जो एक पक्ष के दुकानदार है, पहले आप वो सुनिए। जी सर, हथियार के साथ जो है मारपीट करते एक वीडियो वायरल हो रहा है, क्या मामला है? ये मामला दो सीमेंट दुकानदार और गिट्टी छड़ दुकानदार के बीच का है, दोनों का दुकान सटा हुआ है, एक चौहान ट्रेडर्स है एक जितेंद्र का है। तो 16/11/23 की घटना है कि अभिनव के दुकान के सामने एक व्यक्ति कटर लेकर आया हुआ था, तो वो अपना सीसीटीवी में देखता है, उसके बाद उस व्यक्ति से जाके उसको पूछता कि तुम कटर लेकर रात को 11:30 बजे मेरे दुकान के पास क्यों हो, उसके बाद वहां से झगड़ा शुरू होता, लपड़ थपड़ होता है। इसी क्रम में पता चलता है कि अभिमन्यु उसके दुकान पे भी जाकर उससे मारपीट करते हैं और उनके पास एक पिस्टल दिखाने की बात हुई है, सत्यापित की जा रही है, पिस्टल जहां तक लग रहा है कि लाइसेंसी पिस्टल है उसे सत्यापित किया जा रहा है। दोनों पक्ष से आवेदन प्राप्त हुआ है, दोनों पक्ष का आवेदन को रजिस्टर कर लिया गया है और आगे विधि सम्मत कार्रवाई की जा रही है। सर, आवेदन में क्या कुछ आरोप लगाया गया है? आरोप मारपीट का ही लगाया गया है। जो पिस्टल है उसे जब्त की गई है? अभी जब्त नहीं की गई, उसका जब्त करने की प्रक्रिया में है, उसका डिटेल निकलवाया जा रहा है। अभिमन्यु है जो काजी मोहम्मदपुर के रहने वाले हैं और उस थाना क्षेत्र के पदाधिकारी से बोला गया है, और हम सब जिला दंड पदाधिकारी से भाई इसके यहाँ से उनके शख्स के बारे में डिटेल निकलवा के कैंसिलेशन के लिए और आगे जो विधि सम्मत करवाई है तो उसके लिए लाइसेंस को कैंसिल भी किया है। जी जी, क्योंकि उन्होंने उसके शर्तों को उल्लंघन किया है। कुछ नहीं, जैसे कि विश्वकर्मा पूजा का साफ सफाई चल रहा था, हमने कुछ लोहा का फ्रेम बनवाया, दो तीन पाइप हमारे पास बचा हुआ था, तो कंपनी वाले ने हमको बोर्ड दिया है, मगध वाले ने, छड़ वाले ने, तो हम वहाँ लगवा रहे थे, जैसे कि लोहा का पाइप वेल्डिंग करवा रहे थे, तो उसके बाद वो आक्रोश में एकदम आए,
भाई लोग और उनका ड्राइवर वगैरह था, और उसके बाद पहले बिल्डिंग कर रहा था उसको उन्होंने मारा, उनको पिस्टल दिखाया, उसके बाद वहाँ से आए और यहाँ पे हम थे और हमारा मुंशी था, दोनों को मारा पीटा गया और पिस्टल सर पे सटा दिया गया, जो कि वीडियो में आप लोग देख रहे होंगे। यही सब बात है। पहले तो कुछ विवाद वगैरह था? पहले से हमको लेकर के कोई विवाद नहीं था, बस वो बोलने लगे कि हमारा तुम कंपटीटर बनता है, ये है वो है, कंपटीशन करने आया है तुम मेरे साथ, यही सब बात। आप दुकान यहाँ कब खुली? लगभग 7 महीना हुआ, 8 महीना, फरवरी 15 फरवरी को मेरा दुकान का ओपनिंग था, और देख लीजिए यही 23 में ही हुआ था। व्यापारिक वर्चस्व बनाने की? हाँ, व्यापारी वर्चस्व बनाने की कोशिश की। कितने बजे करीब की घटना? ये 11 बजे रात की घटना है। रात को 11 बजे दुकान खुला हुआ था? सारा दुकान शटर बंद था, बस यही खुला हुआ था, स्टाफ काम कर रहा था कि वो लोग जाएंगे, उसके बाद हम लोग अपना सामान सरी आएंगे, शटर गिराएंगे, निकल जाएंगे। 16 तारीख को रात का घटना। कौन कौन लोग यहाँ? हम थे, हमारा मुंशी था अमन कुमार, और 2 बिल्डिंग मिस्त्री था, बस हम 4 लोग। उधर से कौन कौन? उधर से पहले 3 लोग आए, उसके बाद 2 लोग आए, 5 आदमी, उसके बाद 20-25-30 लोग एकदम दौड़ते हुए आए एकदम उधर से, कुछ लोग कार से आए, कुछ लोग बाइक से आए, मतलब लगभग 50 के भीड़ में थे वो लोग। धमकी वगैरह दिया? धमकी वगैरह पूरा दिया गया कि खानदान मिटा देंगे तो ये कर देंगे तो वो कर देंगे, अभी हमको पहचानता नहीं है, क्या है बैठा है, यही सब वीडियो में आपको क्लियर सब कुछ दिख रहा होगा, गाली वाली सब दिया गया। शिकायत आपने थाने में की? थाने में हमने की है, हमारे भाई जी ने की है, बड़े भैया ने, वो आक्रोश में आकर के वो गुस्सा हो गया, वो गए थाने पे आवेदन दिए, तो वहाँ वो आवेदन दिए, उसके बाद हम निकले हैं उधर घर, कहे कि उस बच्चा को ही बचाना जरूरी था ना, कहे कि वो भी यहाँ फंसा हुआ था, तो इसको यहाँ से निकाले, कहे कि हमारे दुकान पे स्टाफ है तो हमारा इसका फर्ज बनता है कि इसको सुरक्षा देना, तो इसको हटा दिया गया, हम थे जो भी था हमारे ऊपर बीता, उसके बाद बाइक वाइक निकाले, हम अपना शटर गिराए, ताला मार के निकल गए। क्या नाम हुआ? मेरा नाम शुभम कुमार सिंह हुआ। तो आप सुन रहे थे क्या कुछ कहना था सदर थाना प्रभारी का, उन्होंने साफ तौर पे कहा है कि आवेदन मिला है, दोनों तरफ से कार्रवाई की जाएगी, जो सीसीटीवी फुटेज वायरल हो रहा है जिसमें साफ तौर पर देखा जा सकता है किस प्रकार से हथियार को वार्ड नंबर 10 के पार्षद अभिमन्यु चौहान निकाल रहे हैं, जो मुजफ्फरपुर नगर निगम में सशक्त स्थायी समिति के मेंबर भी है, और इस प्रकार से हथियार निकाल कर किसी को डरा धमका रहे हैं तो ये कहीं से भी जायज नहीं है। इसके साथ साथ उस पक्ष से अभिमन्यु चौहान की तरफ से भी जो आवेदन दिया गया है उस पर भी जांच पड़ताल की जा रही है और पुलिस अनुसंधान में जुट गई है और आगे इस पर कार्रवाई की जाएगी। बने रहिए फर्स्ट लुक बिहार के साथ आगे भी खबरों के लिए, तब तक के लिए नमस्कार।